दूसरे हिस्से में एनसीपी के झंडे हैं। एनसीपी उम्मीदवार आसिफ भामला की नजरें भी बांद्रा के मुस्लिम समुदाय पर हैं। दावा है कि कांग्रेस की जीत एनसीपी की मदद के कारण रही है। गठबंधन टूटने से एनसीपी का फायदा होगा। उनसे पूछिए जाके पिछले चार चुनाव में क्या वो जीत सकता है अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से उनका अलायंस नहीं होता। मुझे लग रहा है कि पिछले कई चुनाव का मुखौटा और चेहरा आसिफ भामला बना था, उसकी अच्छाई को देखकर लोगों ने इनको चुनकर लाया। एक और मुद्दा उठता है, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए भी ये नाक का मुद्दा होगा। वो इस विधानसभा को अभी तक वक्त दे नहीं पाए, लेकिन अब उनकी पार्टी है, उनका निर्णय है, जो लड़ना चाहे। हम तो एक पार्टी से लड़ रहे हैं। इसी टूट का फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी करेगी। 2009 में बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार यहां महज 1600 वोटों से हारे थे। मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी बीजेपी भी करना चाहती है, प्रचार में मुस्लिम चेहरे उतार कर जो बाबा सिद्दीकी को नकारने का दावा करते हैं। खाली ईद में गोश्त वगैरह बांट देने से और सिवैया बांट देने से कोई मुसलमानों का हमदर्द नहीं हो जाता है। जैसे किसी के घर में शौचालय नहीं है तो हमारी माँ बहनें जो भी मतलब शौचालय जाना है तो उनको शर्म आती है कि आशीष जी जब आएंगे तो हर घर में, मोदी जी का भी यही सपना है कि हर घर में शौचालय हो। बांद्रा में एक दिलचस्प नजारा दिखा। बीजेपी उम्मीदवार जहाँ मोदी लहर पर सवार है, मोदी के हमशक्ल भी उनकी झांकी पर सवार है। काम के अनुभव की कमी उनको है क्योंकि वो काम करते ही नहीं है। 15 सालों में उन्होंने काम किया नहीं, लोगों से मिले नहीं, असेंबली में कभी अटेंड किया नहीं और इसके लिए उनका रैंकिंग 22 पे आया है। तो अनुभव नहीं उनको है, 10 साल का कॉर्पोरेटर और 1.5 साल का एमएलसी, ये मेरा अनुभव ज्यादा है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में हर आदमी को इतना सम्मान है, बहुत प्यार है, एक आत्मविश्वास है और जब ये अनाउंसमेंट हो जाती है कि साक्षात प्रति नरेंद्र मोदी आप ले भेटी ला, इस तरह से बात किया जाता है तो लोग बस नरेंद्र मोदी समझ के प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। बांद्रा का परंपरागत गढ़ अपनी तरफ खींचने में अगर बीजेपी कामयाब होती है तो ये कांग्रेस को और उसके परंपरागत अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए एक बहुत बड़ी चोट हो सकती है, बशर्ते माइनॉरिटी कार्ड यहाँ खेलने की बीजेपी की तरकीब कामयाब होती है। तो मुंबई से कैमरा पर्सन हरमीत के साथ योगेश दामले, NDTV इंडिया।